हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं रिसीव करने एयरपोर्ट पे हमारी बहना को। मैं और रूपाई हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। ऑलमोस्ट आई थिंक हम हो गए हैं लेट। उसकी फ्लाइट लैंड होनी थी तकरीबन 7:30 बजे और हम लोग अब तक घर से ही नहीं निकले, तो फटाफट से बस चल रहे हैं। आज रूपाई गाड़ी आ गई, तो जी गाड़ी में बैठ गए हैं और भाई को मैंने बोला है कि भाई फटाफट से हमें ना बस एयरपोर्ट पहुंचा दें। और ट्रैफिक देखें बाहर आज ही इतनी ज़्यादा है, अपने टाउन से ही अभी तक नहीं निकले, पता नहीं एयरपोर्ट कब पहुंचेंगे। और माशाल्लाह से जो हमारी बहन है वो थोड़ी सी है, आपको पता ही है, अभी नहीं पता, ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहना कि जानबूझ कर लेट आए हैं, तो खैर फटाफट से बस हम पहुँच जाए। बाकी वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ। वेल, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और सर्दी लग रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार तुम गर्मी में आई थी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी इनको लेने, जब ये ज़ियारात से आई थी तब गर्मी अखीर थी, आज सर्दी लग रही है। बड़ा राशा, मुझे लग रहा है सारी फ्लाइटें आज ही उतरी और जिस गाड़ी में हम आए हैं वो भाई बेचारा इतना मेरे जैसा, इनके जैसा। मैंने उसके दुख पर एक कहानी सुनी, उनकी कहानी हमने, वो यतीम है, बहुत 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 सैड थे, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। और आप ये रश देखें, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जहाँ से हम आए। रश चेक करें, रश। तो जी हमें था कि हम लेट हैं, यहाँ पे जिसने आना है वही लेट है। और रश ये जंगले के साथ ना सारे लोग खड़े हुए, यहाँ भी वो सामने भी, मतलब यहाँ खड़े होने से जो अंदर से जिसने बाहर आना है वो जल्दी आ जाएगा क्या? उसने तो उतना ही टाइम लगाना है ना जितना लगना है। तो आ गई है, लेकिन वो हमें ढूंढ रही है, हमें नजर आ गया कि वो किधर है। माशाल्लाह, क्या नाइस, वेरी नाइस। वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम भी अच्छा था। आपने मिस किया? हमने तो आपको बड़ा मिस किया है। साग बारबेक्यू, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, आप साग और बारबेक्यू ना पसंद नहीं करती, आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ आई हूँ मौसम एंजॉय करने। ओह माय गॉड, चलें आप आ गई हैं। ये इसके बाद नहीं, अपनी हमने आपको जाने देना, अब आप हमारे पास ही रहेंगी। और ये देखें, इंसान का ना पेट पता नहीं क्या क्या करवा सकता है भाई। लोग भाई समझाते हैं आईफोन और वो चीज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ से देखें, मेरी फैमिली ने बाहर से दुबई से बर्गर मंगवाए हैं और घर भी नहीं गए, यहीं पे खोल लिया। देखें, चेक करो, ये ना दुबई के जो बर्गर होते हैं ना उसके साथ ये पिकल, ये बर्गर के लिए दुबई से ये हमारे लिए ये पिकल और ये बर्गर आए हैं। और मेरी फैमिली को ये सोना लगता है, सोना। और कुछ आए ना आए, ये आना चाहिए भाई। और ये भी ऑन कर दो कि रूफी जी ने अपने दो बर्गर ले लिए, रूफी ने खोल भी लिया है और खाने भी लग गई है। बस करो, घर जाके खा लेना, सब्र नहीं। और ये तो आपने डाला ही नहीं, ये क्या है? iPhone 15। ओह माय गॉड, 15 मैं फैन के साथ चेंज कर लो। नो, नेवर। तो वेलकम हो गया आपका घर में। वेलकम वेलकम वेलकम। अंदर देखना, आपके आने की खुशी नहीं होगी, किसी और चीज की खुशी ज्यादा होगी। तो जी फाइनली मेरी प्यारी बहना आ गई हैं पाकिस्तान। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी लग रही है, गिर ना जाए। तो घर आते ही सूप मिल गया उनको। उनकी फरमाइश थी जी मुझे सूप मिल जाए और स्टार्टर में सूप, और उसके बाद मुझे मिले कीमा, आलू कीमा, साग। हाँ, ये सब कुछ हमने बना के रखा है। आहिस्ता आहिस्ता पियो, भाग नहीं रहा कुछ। मैं इसीलिए तो आई, ये लो जी हमारे लिए नहीं आई, ये इसीलिए आई है। हाँ, मैं मिस भी नहीं कर रही थी, कह रही थी कि मैं मिस कर रही थी साग और उसको बारबेक्यू तो वहाँ पे भी मिलता भाई। तुम्हें मैंने खाया तो फिर इंसानों को नहीं मिस किया, साग वगैरह को किया। तो मौसम ही है खाना। तो जी खाना खा कर कपड़े वगैरह अब कर लिए हैं चेंज, चाय हम लोगों ने पी ली है और अब मैं करने लगी हूँ ब्लॉग को यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।